Hey guys, so how are you all? Hope you all are good. And guys, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सब टीवी के पॉपुलर ड्रामा तेनाली रामा के बारे में, जहां पर हम आपको बताएंगे कि भाई तेनाली रामा शो क्यों ऑफेयर हो गया, क्या कुछ कारण रहे, क्या कुछ रीजंस रहे जिसकी वजह से तेनाली रामा शो को सब टीवी से ऑफेयर होना पड़ा। तो वेल गाइज, हमने इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाई थी कई महीने पहले, लेकिन अभी भी फैंस को क्लियर नहीं हो पा रहा है। कुछ को नहीं पता है कि भाई तेनाली रामा शो है वो इतना अच्छा खासा चलता था, तो क्या कुछ उसके साथ हुआ, क्या कुछ रीजंस रहे जिसकी वजह से ये शो बंद हो गया। एंड गाइज, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये शो लॉन्च कब हुआ था। ये शो लॉन्च हुआ था 11 जुलाई 2017 को। वेल, इस शो ने 804 एपिसोड्स निकाले और इसका जो लास्ट एपिसोड था वो 13 नवंबर 2020 को आया था, जिसके बाद से ही ये टीवी पर ऑफ एयर हो गया था। तो इसका ऑफ एयर होने का सबसे बड़ा जो रीजन था गाइज, वो था शो की गिरती हुई टीआरपी। जी हाँ, हालांकि अगर हम बात करें तेनाली रामा शो जो था वो स्टार्टिंग में सब टीवी पर काफी अच्छी खासी रेटिंग्स लेकर के आता था। अगर हम बात करें इसकी टाइमिंग की, तो पहले ये 8 बजे की टाइमिंग पर आता था। इसने बालवीर सीरियल को रिप्लेस किया था। एंड गाइस, जैसा कि हमने आपको बताया कि इसका जो मेन कारण था, जो मेन कॉज था, वो इसकी लो टीआरपी थी। तो भाई ऐसा क्या हुआ था कि भाई इसकी टीआरपी जो थी वो लो चली गई थी? हम आपको बता दें, इसके कई सारे रीजंस रहे थे। जैसे कि पहला रीजन जो था, इसकी जो टाइमिंग 8 बजे से जो चेंज हो गई थी, जो कि 7:30 पर आ गई थी। एंड ऐसे में हम आपको बता दें, जो 8 बजे के जो शोज़ होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा चलते हैं उस टाइम पर, जो होती है ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होती है टीवी पर। इसी के साथ साथ हम अगर बात करें तो शो की जो स्टोरी लाइन थी वो 555 एपिसोड्स के बाद चेंज हो गई थी। जी हाँ, जैसे कि आपने देखा होगा भास्कर अध्याय आपने तेनाली रामा में देखा होगा, तो जब से भास्कर अध्याय यानी कि 555 एपिसोड्स के बाद जो एपिसोड्स आए थे उसमें कई सारे कैरेक्टर्स जो थे, जैसे कि कृष्णदेव राय का कैरेक्टर और बाकी जो पुराने कैरेक्टर्स थे वो सब के सब बदल गए थे। ऐसे में टीआरपी जो थी काफ़ी कम होने लगी। लेकिन इसके बाद भी जो टीआरपी थी वो बीच में अच्छी खासी हो गई थी। लेकिन क्या हुआ भाई, 13 नवंबर के महीने से 3-4 महीने पहले जो तेनाली रामा की टीआरपी आती थी वो काफ़ी कम आती थी, 0.45 इतने पर ही अटकी रहती थी, और कंसिस्टेंटली वो जो टीआरपी थी वो लो रही। ऐसे में 3-4 सेट्स का खर्चा जो शो के मेकर्स से भी उठा पाने में सक्षम नहीं थे, क्योंकि किसी भी शो को चलाने के लिए भाई पैसे तो चाहिए। ऐसे में अगर टीआरपी नहीं आएगी, लोग देखेंगे नहीं शो को, तो टीआरपी जनरेट नहीं होगी अच्छी खासी और रेवेन्यू भी वो जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो यही सबसे बड़ा कारण था, जो शो की टीआरपी थी वो काफ़ी ज़्यादा लो रही, जिसकी वजह से इस शो के मेकर्स ने शो को बंद करने का फैसला लिया। हालांकि इसके फैंस काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं, और उन सबकी डिमांड जो है वो लगातार बनी हुई है कि तेनाली रामा का सीजन 2 आना चाहिए। भाई ऐसे में किसी भी शो की अगर डिमांड ज़्यादा हाई रहती है तो फ्यूचर में सब टीवी शो का सीजन 2 लाता है। हमने भी इस टॉपिक पर काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी हैं, अगर आपने नहीं देखी तो आप देख लीजिए। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।